हेलो एंड वेलकम टू मेट मोटर हिंदी। मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों आज हमारे पास खड़ा है TVS XL 100 जो कि 100 सीसी में आती है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये 2022 मॉडल है। आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे आप देखेंगे तो इस गाड़ी का जो प्रोडक्शन है वो 10/1/2022 का है, यानी आप 2022 मॉडल देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि 2022 मॉडल XL 100 में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या है इसका माइलेज, क्या है इसका पावर परफॉर्मेंस, इसका हम एक शोरूम प्राइस जानने की भी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक 100 cc का स्कूटर है जिसको आमतौर पे लोग हैवी ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये XL 100 हैवी ड्यूटी के नाम से ये स्कूटर जाना जाता है। जो भी हमारे सब्जी बेचने वाले भाई है, जो भी फेरी वाले भाई है, वो ज़्यादातर इसी स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2022 मॉडल XL 100 में क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो लुक है वो एज ए सिमिलर है जो स्कूटर 2021 में देखने को मिल रहा था, सेम उसी लुक को कंपनी ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इसका हेडलाइट है वो राउंड शेप में देखने को मिल जाता है। एज पे इसमें क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। साइड में आप देखेंगे तो बल्ब वाला टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से नीचे के साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको LED DRL देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा। नीचे के साइड आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा जिसको रबड़ से कवर किया हुआ है, और यहाँ पे साइड में साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मटेरियल है ये मेटल का है। मेटल में आपको ग्लॉसी ब्लैक में मटगार्ड देखने को मिल जाता है। टायर साइज की अगर बारे में बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी 16 इंच का ट्यूब टायर प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। ये काम कैसे करता है, जब आप अपनी गाड़ी के रियर ब्रेक को प्रेस करेंगे तो 60:40 का रेशियो होता है। 60% प्रेशर जो होगा वो रियर व्हील पे अप्लाई होगा और 40% जो प्रेशर होगा वो फ्रंट ब्रेक पे अप्लाई होगा, फ्रंट व्हील पे अप्लाई होगा, जिससे कि आपका ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाता है वो कम होता है और बहुत ही कम डिस्टेंस में आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो जो लुक है वो कुछ ऐसे है। यहाँ पे ये TVS का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा, कुछ कलरफुल ग्राफिक्स। नीचे की साइड में आएंगे तो ये XL 100 हैवी ड्यूटी का यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा। हैवी ड्यूटी के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आई टच स्टार्ट, यानी आप सिंगल टच करेंगे तो ये स्कूटर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आई टच स्टार्ट का स्टिकरिंग दिया हुआ है। अगर बात कर ली जाए इंजन के बारे में कि इस गाड़ी में इंजन कितने सीसी का आता है और पावर एंड टॉर्क क्या डिलीवर करता है, तो इस स्कूटर में 99 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड FIBA6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो 4.3 PS का पावर जनरेट करता है और 6.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो पावर से ज़्यादा इसमें टॉर्क कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो स्कूटर है ये हैवी ड्यूटी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसमें मतलब जो स्पीड होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, टॉर्क ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टिकरिंग कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 मॉडल में आपको एक नया फीचर्स देखने को मिल जाएगा साइड स्टैंड इंजन कटअप फंक्शन का। ये काम कैसे करता है, जब आपका स्टैंड डाउन रहेगा तो आपका जो स्कूटर होगा वो चालू नहीं होगा। जब आप अपनी स्कूटर के स्टैंड को ऊपर कर देंगे तब आपका स्कूटर चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है अगर आप इसको सेफ्टी के मैटर से देखें तो। और यहाँ पर जो लुक है वो कुछ ऐसे हैं, ये आपको फाइबर क्वालिटी में मिलता है। इस गाड़ी में चैन ड्राइव सिस्टम मिलता है, बेल्ट नहीं मिलता है क्योंकि ये हैवी ड्यूटी के लिए जाना जाता है। और ये है इसका रियर मटगार्ड जो कि ग्लॉसी ब्लैक में आता है, ये मेटल में मिल जाता है। रियर में आपको स्विंग आर्म हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। और ये है सारी लेगा जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पैर रखने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम आते हैं रियर के साइड में
और देखते हैं कि रियर में क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपको हैलोजन में टेल लाइट देखने को मिल जाता है, हैलोजन में टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे रियर रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आएगा। उसके बाद से आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे हुक्स आपको चारों साइड में देखने को मिल जाएगा, इधर भी यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पे कुछ सामान वान रख करके और इसको अच्छे से बांध सकते हैं। यहाँ पे रियर गैफ्रिल दिया हुआ है पकड़ करके बैठने के लिए या कुछ सामान वान बांधने के लिए। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये हुक दिया हुआ है सामान कैरी करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं रियर के साइड में कि रियर का सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर साइज क्या है, तो रियर में आपको मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोलिक शॉक अब्जर्वर रियर में मिलता है। रियर अगर हम टायर साइज के बारे में बात करें तो रियर में आपको सेम सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, 16 इंच का आपको ट्यूब टायर देखने को मिल जाता है, इसमें ट्यूबलेस नहीं मिलता है। रियर में आपको देखेंगे तो ये ड्रम ब्रेक मिलता है और इस गाड़ी में आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, ये स्पोक व्हील मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइलेंसर है, साइलेंसर के ऊपर ये साइलेंसर गार्ड दिया हुआ है जो मैट ब्लैक कलर का दिया हुआ है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम आते हैं इस साइड में तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका कीक सिस्टम है, इसमें सेल्फ के साथ साथ कीक सिस्टम भी कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कीक सिस्टम भी मिल जाता है, ये ETFI का इसमें टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। ये फाई सिस्टम स्कूटर है, यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ये स्कूटर है। इधर साइड में आप देखेंगे तो ये XL100 का यहाँ पे स्टिकरिंग है, हैवी ड्यूटी, यहाँ भी आपको सेम वही ग्राफिक्स और इधर भी TVS का स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाता है। ये इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पे फैन दिया हुआ है जिससे कि जो आपका इंजन होगा वो कूल रहेगा और अच्छा माइलेज, अच्छा पावर प्रोवाइड करेगा। ये है ऑक्सीजन सेंसर और इसका जो साइड पैनल है वो कुछ ऐसे है। बात करते हैं अगर इसके हम लेग स्पेस के बारे में तो लेग जो स्पेस है वो काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप आराम से एक गैस सिलेंडर को रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई 50 केजी का बोरी है उसको भी आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। उसके बाद से फ्यूल टैंक के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 4.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है जो 60 KMPL का माइलेज निकाल करके दे देती है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो जो ऊपर का लुक है वो कुछ ऐसे है। सीट देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे लंबा चौड़ा सीट दिया हुआ है जिसका कुशनिंग जो है बहुत ही अच्छा है। लंबा चौड़ा सीट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये हैवी ड्यूटी के लिए है और इस पर आप आराम से बोझी लाद सकते हैं, आराम से कोई भी आप बोरी ला सकते हैं, सामान लाद के आप कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीट जो है काफ़ी लंबा चौड़ा आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम आते हैं डैशबोर्ड की साइड में और देखते हैं कि इसके मीटर कंसोल में क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करती है, तो सबसे पहले आपको मैं लेफ़्ट साइड में दिखा देना चाहता हूँ। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये है हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच और ये है लो बीम हाई बीम का स्विच। इधर साइड नीचे साइड में आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, ये हॉर्न का स्विच है। राइट साइड में ये है इंजन किल स्विच और सेल्फ का स्विच भी इसी में दिया हुआ है, आप ऐसे ये प्रेस करेंगे तो ये आपका गाड़ी चालू हो जाएगा। मीटर कंसोल में आपको यहाँ पे मिलता है स्पीडोमीटर, ये है ऑडोमीटर, ये है टर्न इंडिकेटर, ये है आपका लो बीम हाई बीम का इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट का इंडिकेटर, ये है हजार्ड का इंडिकेटर, ये है लो फ्यूल का इंडिकेटर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 51,400 रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर ये स्कूटर आपको लेनी है तो आप शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्प्ले पे फ्लैश हो जाएगा। तो ये रहा है कंप्लीट वीडियो इसी न्यू TVS XL 100 हैवी ड्यूटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए।